रेड एफएम 93.5 और चिट्ठियां ही लेकर नीलम आपके संग। चिट्ठियां तो हम जरूर पढ़ेंगे, फिलहाल हम चलेंगे आईनॉक्स सिटी सेंटर अनिमेश के पास, क्योंकि आज वहां पहुंची है फिल्म डोर की पूरी टीम। जी हां, डी ओ आर डोर, नागेश कुकनूर की एक और फिल्म स्टारिंग आयशा टाकिया एंड इकबाल फेम श्रेयस तलपड़े, तो हम भी चल पड़े अनिमेश। थैंक यू सो मच नीलम। नीलम, जैसा कि आपने बता दिया, इस वक्त मैं आईनॉक्स सिटी सेंटर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आज आए हुए एंटायर स्टार कास्ट ऑफ द मूवी डोर डायरेक्टेड बाय नागेश कुकनूर। काफी कुछ यहाँ पे हो रहा है, उसकी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन आयशा टाकिया, मोस्ट गॉर्जियस। तो चलिए उनसे बातें करते, पूछते क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा, वेरी वार्म वेलकम टू यू 100.5 कोलकाता एंड इट्स गोइंग लाइव एंड एक्सक्लूसिव। थैंक यू सो मच, इट्स ग्रेट टू बी हियर। सबसे पहले हम सभी जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में। डोर में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पहली बार मैं एक बहुत ही यू नो डी ग्लैम, बहुत ही गांव की लड़की जो बहुत ही सिंपल है, जो अपने लाइफ को क्वेश्चन नहीं करती, एक राजस्थान के इंटीरियर में रहने वाली राजपूत लड़की का कैरेक्टर निभा रही हूँ। और जैसे कि आप नागेश कुकनूर के साथ काम कर रही हैं, एज डायरेक्टर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एज अ डायरेक्टर तो वो जीनियस है ही, सब जानते हैं। उनकी फिल्में अगर आप देखोगे तो आप जान जाओगे कि ही रियली मेक्स क्वालिटी फिल्म्स, बड़े या छोटे, बट दे आर रियली गुड फिल्म्स और सब देखना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है और इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद हिम। आई एम जस्ट थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा रोल दिया एंड ही ट्रस्टेड मी विद अ रोल दैट पीपल हैव नॉट गिवन मी एज येट। जैसे कि हम सभी ने आपको सोचा ना था, हमें देखा है काजिन में, देखा है अलग तरह की रोल आपने की थी, और इस मूवी में आप पूरी तरह से डिफरेंट रोल कर रही हैं। चैलेंजिंग था ये रोल? ऑब्वियसली इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने कहा, कभी लोग मुझे सिर्फ एक बबली ग्लैमरस लड़की देखते हैं और अच्छा भी है, लेकिन इट्स नाइस कि लोग मुझे आजकल यू नो नए किस्म के रोल दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुना था, आई वॉज नॉट श्योर मैं कर पाऊंगी कि नहीं, एंड दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू बी यू नो ऑलवेज फील चैलेंज, आई वॉन्ट टू नॉट बी श्योर इफ आई बी एबल टू डू इट, एंड दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वांट टू डू। और आपकी अपकमिंग मूवीज कौन कौन सी होंगी? अभी इसके बाद मेरी फिल्म सलामे इश्क रिलीज होगी, दैट्स विद निखिल अडवाणी डायरेक्टर। फिर फूल एंड फाइनल रिलीज होगी अहमद खान की फिल्म। फिर दे ताली रिलीज होगी, ई निवास की फिल्म। और फिर क्या लव स्टोरी है। ओके, और जाते जाते अगर आपको एक मैसेज देना हो तो द पीपल ऑफ कोलकाता राइट नाउ करीब करीब आपको 40 लाख लोग सुन रहे हैं और चिट्ठी आई है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? Wow, that's great to hear the number and it's very nice. Thank you so much. I hope you had a great time listening. Please watch the film Door. It's rocking. थैंक यू सो मच आयशा हमारे साथ बातें करने के लिए। बिल ये थी हमारे साथ आयशा ताकि एब्सोल्युटली लाइव एंड एक्सक्लूसिव रेड एफएम 93.5 स्ट्रेट फ्रॉम सिटी सेंटर आईनॉक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू यू नीलम। थैंक यू अनिमेश। तो ये थे अनिमेश, बड़े ज्यादा बहुत ही खुश थे और काफी एक्साइटेड थे, समझ में आ रहा था सामने आयशा टाकिया खड़ी थी, वेरी ब्यूटीफुल आयशा टाकिया।